हैं बात सबसे पहले राजधानी भोपाल की करते हैं, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब बड़ी तैयारियां की हैं। सीएम शिवराज के 3 महीने के कार्यकाल को अब बीजेपी भुनाएगी। 3 महीने के काम जनता के बीच अब बीजेपी लेकर जाएगी। बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रबंध समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया, कमला सरकार की नाकामियों का अब मुद्दा बनाया जाएगा, बीजेपी में सब ठीक है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, सीएम शिवराज के 3 महीने के कार्यकाल को बीजेपी भुनाएगी और जनता के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान के कामों को लेकर बीजेपी पहुंचेगी। बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक में ये फैसला हुआ है। प्रबंध समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कमला सरकार की नाकामियों का अब बीजेपी मुद्दा बनाएगी और बीजेपी में सब ठीक है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी आगे निकलती जा रही है और अब जो एक चुनावी सभा के बाद बीजेपी ने अपने प्रबंध कार्यालय का भी शुभारंभ कर दिया है, यानी पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए टीम तैयार हो गई है। हमारे साथ हैं प्रबंध समिति के प्रमुख पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, ये तो निश्चित रूप से कि कांग्रेस से आप आगे निकल चुके हैं चुनावी तैयारियों में, आज प्रबंध कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। आज कार्यालय में पूजन का कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों की प्रबंध समिति की पहली बैठक आज वहाँ पर हुई है और उसमें हम लोगों ने प्रबंध समिति में चुनावी रणनीति की दृष्टि से एक कार्ययोजना तैयार की है और उस कार्ययोजना के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे लेकर तैयारी कर रही है बीजेपी की, क्या ये प्रमुख मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार का विकास, पहले का विकास और अभी 3 महीने का विकास और कांग्रेस का 1.25 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, लूट और माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में ये जो 3 माह में सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, इन मुद्दों के आधार पर और देश की हमारी जो माननीय सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, इन सब को लेकर हम लोग चुनाव के मैदान पर जाएंगे। ये बार बार बात उठती है कि बीजेपी को इस बार दो जगह चुनाव दो तरीके से जीतना है, एक तो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता हैं उनसे जीतना है और दूसरा जनता के बीच जाकर जीतना है। तो पहली जीत यानी कि कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाने वाली जो जीत है उसके कितने करीब पहुंच चुकी है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। एक बार पार्टी का ये निर्णय हो गया कि हम लोगों को जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको सबको साथ में लेकर ये चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके बाद वो हमारे परिवार का सदस्य है। तो ये तो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और जब पार्टी में लोग आ चुके हैं तो वो परिवार के सदस्य हो गए। उनका ये भी कहना है कि शिवराज 4 का जो कार्यकाल है 3 महीने का, ये कार्यकाल लेकर जनता के बीच जाएंगे और जो कमलनाथ सरकार का 15 महीने का कुशासन था वो भी जनता को बताएंगे। कैमरा आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।